सो डेस्टिनेशन अनक्राउडेड में यहाँ एक अच्छा स्पॉट वर्धा वासियों के लिए और वर्धा टू नागपुर जाते वक्त कोई भी ट्रैवलर के लिए बना हुआ है, जहाँ पे आप एक आधा घंटा तो देना जायज़ बनता है। नदी के उस छोर पर जाकर भी हम देखेंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि जब मैं छोटा था तो आचार्य विनोबा भावे जी से बात करने का मुझे भी मौका मिला है। हम लोग आश्रम में आते थे तो काफ़ी अच्छा लगता है कि उनसे हम रूबरू हो चुके हैं। पानी का बहाव कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहा है, क्यों ना हो विदर्भ में लबालब सारे डैम सारे रिजर्वायर्स भर चुके हैं और कंटिन्यूसली पानी छोड़ा जा रहा है और बारिश भी झमाझम हो रही है, तो इसके कारण पानी को रोकना असंभव है। तो इतने बहाव में भी इतने पानी के धाराओं में बच्चे लोग तैरने का आनंद उठाने की कोशिश करते हैं, उसी में हादसे हो जाते हैं। तो अभी ये पूरे पत्थर जो नज़र आ रहे हैं ये भी डूबे थे अभी। हाँ, ये पानी उतरा इसके कारण अभी पत्थर दिख रहे हैं। बहाव बहुत तेज़ है, पत्थरों की भरी हुई नदी है ये। और यहाँ पे फिर एक किनारे पे पूरा डेवलपमेंट हो रहा है अब। हाँ, यहाँ तक पानी था ना। हाँ, ये दिखाई दे रहा है पानी की धाराओं का है। ये नीचे भी पानी था। ये ऐसा ठिकाना है जहाँ पे भारत की हर बड़ी व्यक्ति आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे विनोबा भावे जी एक महान व्यक्ति, उनका सर्वोदय आश्रम है, दूसरा महात्मा गांधी इनका सेवाग्राम में आश्रम है। तो इसके कारण हमेशा यहाँ पे VIPs के दर्शन हुआ करते हैं। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी से उनको भी हम यही देख चुके हैं, स्वर्गीय राजीव गांधी के भी दर्शन हमने यहाँ लिए हैं। तो इस तरह का ये सर्वोदय आश्रम धाम नदी के किनारे पवनार यहाँ बसा हुआ, एक बार ज़रूर आइए। यहाँ बहुत रश रहता नहीं है, इसलिए आप आराम से आके दर्शन लेके थोड़ा घूम फिर के आप आगे बढ़ सकते हो। बैठने के लिए गैलरी गैलरी बनाई है। तो हम आ चुके हैं नदी के इस पार आश्रम की ओर, और यह आश्रम ब्रह्म विद्या मंदिर जैसा कि यहाँ पे लिखा है। एंट्री गेट, यह मंदिर बना हुआ है, उसके पीछे आश्रम, नदी का नज़ारा आश्रम से अंदर से मैं दिखा दूंगा अभी, फोटोग्राफी अगर अलाउड हो तो। आश्रम के आगे जो है वो गौशाला है यहाँ की। गौशाला में देसी गायों को ज़्यादातर बढ़ावा दिया हुआ है और देसी गायों की सेवा यहाँ की जाती है। गाय के प्रति आचार्य जी का बेहद लगाव था। ये मेन आश्रम, विनोबा जी का निवास। निवास स्थान आश्रम वासी जो इन्हें यहाँ पे डेडिकेटेड, यहाँ के आश्रम के प्रति जो जिन्होंने डेडिकेट किया हुआ है खुद को, ऐसे काफ़ी लोग हैं जो यहाँ सब सेवा देते हैं। तो सेवादारों के लिए यहाँ पे रहने की व्यवस्था दिखाई पड़ रही है। और ये जो है ये लाइब्रेरी विनोबा जी की, और विनोबा जी का निवास आगे वहाँ पे, और ये प्रीमाइसेस
आश्रम का, बहुत ही शांति भरा, बहुत ही सुकून। तो शांति के लिए ये जाना जाता है। देश विदेश से सेवा करने के लिए यहाँ पे लोग आके रहते हैं। ये धाम नदी से मिले हुए पुरातन मूर्तियाँ जिन्हें यहाँ जतन करके रखा है आचार्य जी के वक्त से, आचार्य जी ने खुद से। ये विनोबा जी का निवास, ये जो है यहाँ विनोबा, ये वही जगह है जहाँ विनोबा जी बैठ के दिन में से 24 घंटों में से कितने न जाने कितने घंटे सिर्फ पढ़ते रहते थे। तो ये उनकी ये जगह है, यहाँ बैठते थे वो और यहाँ उनका अध्ययन करते थे, यहाँ अध्ययन होता था। और मैं जो कहा कि मुझे भी सौभाग्य मिला है कि यहाँ यहाँ बैठ के मैंने बातें की है, तो जब छोटे थे हम लोग, मेरे ख्याल से 9वीं 10वीं के छात्र हुआ करते थे हम, तब यहाँ पे आए थे, तो यही बोला कि उन्होंने हमसे बातें की थी। बड़े बड़ा एक सौभाग्य हमारा। तो ये उनका स्थान है। ब्रह्म विद्या मंदिर, मंदिर के आगे नदी का विहंगम दृश्य दिखाई पड़ता है। और आप देख सकते हो वो वहाँ पे वही जो नदी के बीचों बीच स्थल दिखाई पड़ रहा है, समाधि स्थल, वही विनोबा जी का, वहीं पे अंत संस्कार हुए थे, वहीं पे समाधि स्थल है उनका। सारी उत्खनन में मिली हुई मूर्तियाँ जिन्हें जतन करके रखा है यहाँ पे आश्रम में। उधर यहाँ के लोगों का अध्ययन चलता है और सब सेवादार वगैरह रहे थे वहाँ पे, निवास स्थान है उनके, तो वहाँ जाना एंट्री बैन है। तो इधर मंदिर में चलते हैं। ये सब मूर्तियाँ यहाँ पे, नदी का विहंगम दृश्य, वहाँ से रोड, मंदिर, अभी बंद है। तो आई होप यू फ्रेंड्स कि आज का डेस्टिनेशन अनक्राउडेड की सीरीज़ में जो मैंने पवनार आचार्य विनोबा भावे जी का निवास स्थान सर्वोदय आश्रम को कवर करने की जो कोशिश की है, तो आई होप वो आपको पसंद आई हो। ये एब्सोल्युटली अनक्राउडेड प्लेस है। इसकी चर्चा तो पूरे हिंदुस्तान में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है और यहाँ पे काफ़ी वीआईपी जाते हैं, लेकिन फिर भी ये टूरिज्म और ट्रैवलिंग के इसमें प्लेस ऑफ इंटरेस्ट में नहीं देखा जाता इसको, इसलिए यहाँ पे रश कम रहता है। तो मेरा मानना यह है कि ऐसी जगह पे, ऐसे पवित्र जगह पे महान व्यक्ति के दर्शन के लिए आप एक बार यहाँ ज़रूर आइए और यहाँ का आनंद उठाइए। यहाँ के शांति, यहाँ के विनोबा जी के आचार, विनोबा जी के विचार, इनको ग्रहण करके यहाँ से दर्शन लेके आप 100% चाहते वक्त कुछ ना कुछ आप अपने साथ लेके जाओगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
ये मंदिर, आचार्य जी का आश्रम, यहाँ का एक सुकून भरा पवित्र स्थान, और ये पीछे पवित्र नदी, नदी का विहंगम दृश्य, नदी की खड़खड़ाहट की आवाज़, बहते हुए पानी की सुंदर सी आवाज़, ये यहाँ की खासियत है। इसी को आप कितने समय तक यहाँ पे आप इसको बैठ के इसका आवाज़, इसका संगीत आप अनुभव कर सकते हो। और मेरा दावा है, आप अगर पवित्र मन से, एकाग्र मन से आप यहाँ के आके यहाँ आकर बैठते हो, तो आप घंटों से आप यहाँ तक शांति से बैठ सकते हो। थैंक यू।